नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां यात्रियों से भरी फ्लाइट को पुशबैक देने वाले टोइंग व्हीकल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा टोइंग व्हीकल धू धू कर जलने लगा। जिस व्हीकल में आग लगी फ्लाइट उससे कुछ ही दूरी पर थी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा V26R स्टैंड पर हुआ। इस टोइंग व्हीकल को मुंबई से जामनगर जाने वाली फ्लाइट को पुश बैग देना था। हालांकि इस टोइंग व्हीकल में कैसे आग लगी इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 647 मुंबई जामनगर को पुश बैग देने वाले वाहन में अचानक आग लग गई। उस वक्त विमान में 85 लोग सवार थे। हादसे के वक्त एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग को जल्द ही बुझा दिया। इस दौरान फ्लाइट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विमान ने दोपहर 12:04 पर उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि विमान को धकेलने वाला ये वाहन होता है। इसे एयर इंडिया फ्लाइट को पुश बैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टोइंग व्हीकल विमान के काफी पास में खड़ा था, तभी अचानक इसमें आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर आग लगने के पीछे की क्या वजह थी। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।